सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। महेश्वर भाई क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से 75 वर्षीय शमीम अहमद खान साहब का जो है आज एक कंटेनर के नीचे आने से जो है मृत्यु हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब क्या कहें और कैसे कहें और किससे कहें ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं राहिल शेख, MMTime न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुमरा में कई बार बहुत से हादसे हुए जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। आज मुमरा में फिर एक बार एक अल्ट्राटेक कंटेनर द्वारा एक हादसा हुआ जिसमें 70 वर्षीय शकील अहमद जी की मौत हुई है और उनको बुरानी हॉस्पिटल में उनका शव ले जाया गया है। वहाँ पर डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया है और उनका शव शिवाजी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। क्या है, कौन है इसका जिम्मेदार? जो कि सिटी में 8 बजे के बाद ये बड़े बड़े कंटेनर उसको अलाउ किया जाता है, ये कंटेनर दिन दहाड़े अंदर घुस गया और उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान ले ली। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या है उस घटना के हालात, हम आपको बताएंगे हमारे वीडियो द्वारा। देखिए एक्चुअली जिनकी डेथ हुई वो मेरे फूफा है और बहुत ही दर्दनाक उनका जो हादसा वो बहुत ही दर्दनाक था। अब क्या कहें और कैसे कहें और किससे कहें ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी गाड़ी जो हैवी व्हीकल्स जो हमारे इधर चलती हैं शहर में वो पीक आज में ना बुलाएं, चाहे वो किसी का भी काम चल रहा हो, हैवी व्हीकल्स को पीक आज में बिल्कुल ना बुलाएं। और रही बात RTOs की, RTOs वालों की इसमें बहुत लापरवाही होती है क्योंकि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम्स हो जाते हैं और रिक्शा वाले जब एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं तो आगे पीछे आने वाला समझ में नहीं आता और लोग है ना आजकल रॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादा आना जाना चल रहा है, छोटे जगह छोटी हो गई है और लोग जो टर्न है हमारे यहाँ पे जितने भी उमरा कौसा के टर्न है वो कुछ हद तक के बंद हो चुके हैं तो लोग रॉन्ग साइड आना आ रहे हैं। तो मेरी ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये अपील है कि उस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करें बस। और सर प्रशासन से क्या अपील करेंगे? यही अपील है प्रशासन से बस, और क्या कि इस चीज़ को इस चीज़ पर ध्यान दें। आज मेरे फूफा गए हैं, वो जो 78 ईयर्स के थे, अगर कोई बच्चा होता कोई जवान होता हम तो सब्र कर लिए कि वो इस वक्त नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, नमाज़ पढ़ने जा रहे थे वो तो जन्नती हैं बस यही। और क्या कहें, इस वक्त इस पर हम लोग ने सब्र किया है, बाकी प्रशासन का काम है, प्रशासन इस काम को बहुत सख्ती से ले, बहुत सख्ती से ले। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.